हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक इन मल्टीप्लिकेशन एंड थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस 1 करेंगे, इधर पे आपका आंसर आ जाएगा 7। एंड ये डिजिट जो है ये सेम उतार देंगे, इधर पे 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, एंड 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। ये आ गया आपका टोटल आंसर। आपको 2 मिनट में सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको भी करके देखते हैं, 5 में से माइनस 1 तो आएगा इसका 4, एंड 2 एंड 4 सेम ऐसे डिजिट उतार देंगे, और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, एंड दिस थोड़ा डिस्टेंस में लिखना है, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, एंड 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। इसी शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर जल्दी आ सकता है। एंड दूसरे पे आ जाते हैं, 8 में से 1 माइनस होगा, इधर पे 7 आएगा, एंड ये डिजिट जो है सेम उतार देंगे, 67 9 में से 7 गए, थोड़ा डिस्टेंस में ही लिखना है, ध्यान रखिए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 2, एंड 9 में से 6 गए 3। ये लीजिए आपका आंसर, ये भी आ गया। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से अपने मोबाइल से। अब इधर भी माइनस 1 ये आ जाएगा, सेम डिजिट 86 आ जाएगा, एंड 9 में से 3 जाएगा जो, फिर उसके बाद आएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1। ये लीजिए आपका ये आंसर भी आ गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक कमेंट।